हमारी दिल से दुआ है वो सदा खुश रहे और उसको सारी खुशियां मिले। और तकलीफ तो होती है क्योंकि हमने बड़े प्यार से मोहब्बत से पाला था उसको, अभी जुदा हो रही है हमसे, लेकिन हमने बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है। जब मेरी शादी हुई थी वो छोटी थी, उसे हमने प्यार से पाला है, अब उसकी रुखसती होने लगी है, बच्चों जैसे पाला है, अब हमें बड़ी तकलीफ है, वो जा रही है अपने घर में, तो हमारी दुआ ये है वो सदा खुश रहे अपने घर में। जुदा तो नहीं हो रही, इंशाल्लाह हमेशा वो हमारे साथ रहेगी, और विशेष यही है कि वो हमेशा खुश रहे, जहाँ भी रहे खुश रहे, आबाद रहे, अल्लाह हमेशा उसे गम दूर ही रखे, और वो हमारे दिलों में बसती है, बसती रहेगी इंशाल्लाह। देखिए फीलिंग तो हमें दुख तो हो रहा है इस बात का कि आज दुख की है, लेकिन हमारी दिल से दुआएं हैं, ठीक है ना, अल्लाह ताला उनके नसीब बच्चे करे और उनको सदा खुश रखे, और मेरी बच्चियों की तरह थी और मैंने अपने हाथों से पाला है उसको। तकलीफ तो है, बहुत ज़्यादा तकलीफ है, बाकी हम यही कहते हैं कि जहाँ भी रहे खुश रहे और उनके नसीब बच्चे हों। बचपन से ही पाला है, हमारी बच्चियों की तरह है, हमारी बच्ची है, बस अब रुखसती का टाइम नज़दीक आता जा रहा है, दिल को कुछ होता जा रहा है, बर्दाश्त नहीं हो रहा, पता नहीं कैसे बर्दाश्त करे। आज तो बेटा अच्छा मेरी कवल की शादी है, बस मैं बहुत खुश हूँ, अल्लाह ताला इन्हें खुश रखे, अल्लाह पाक इन्हें सलामत रखे, बच्ची मेरी बहुत खुश है। तकलीफ तो है मैनू अज बहुत ज़्यादा, मगर मैं बहुत खुश हूँ फिर भी। हमारी बहन की रुखसती है, हमें बचपन से बहुत ज़्यादा प्यारी है, हमारा तो हर चीज़ दुनिया की ज़िंदगी तक हमारी उसके लिए हाजिर है हर टाइम, और हम बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, और हमारी दिल नहीं इतना बर्दाश्त नहीं कर रहा कि कैसे रुखसत उसको करेंगे, वो हमारे हाथों की बच्ची है, बस अल्लाह उसको उसके नसीब बच्चे करे। आप भी दुआ करें कि अल्लाह उसको ज़्यादा से ज़्यादा खुशियाँ नसीब करें। अल्लाह पाक उसके नसीब अच्छे करे, अल्लाह उसको अरशों और फर्शों के सारी उसकी खुशियाँ पूरी करे अल्लाह पाक, और हमारा तो एक किस्म का ये वो दिल है, कलेजा हमारा जो निकल रहा है, मेरी कोई बेटी नहीं है, और मेरी मैंने शुरू से उसको अपनी बेटी जैसे ही माना है, और वो मेरी बेटी ही है, मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा वो मेरी बहन की बेटी है, तो हमारी फीलिंग इस टाइम बहुत ही ज़्यादा जो है ना, अंदर से हम बिल्कुल जो है हमें ऐसे लग रहा है जैसे हम हमारे से कुछ चीज़ कोई छीनी जा रही है, और हम आपको बता नहीं सकते अपनी फीलिंग। और ये रो रही है विश्वा कवल के लिए, खाते खाते खाना रोना आ गया इनको। मेरी दो दिनों में उसके साथ इतनी अटैचमेंट हुई है कि मैं बता भी नहीं सकती। सो एवरीवन हमारे साथ है एहसन भाई और मदीहा भाभी, ठीक है, तो इनसे पूछते हैं कि इनकी फीलिंग्स क्या है कवल की रुखसती को लेकर। जी बताएं। मेरी फीलिंग्स ये हैं कि बस अल्लाह उनको अपने घर में खुश रखे, और वो दूसरे घर जा रही है तो मैं जुल्कनैन भाई को ही कहूँगी कि उनका बहुत ख्याल रखिएगा, क्योंकि लड़की अपना घर छोड़ के जो है ना आती है आपके लिए, तो दोनों आपस में खुश रहें हमेशा हमेशा। अल्लाह ताला दोनों के अच्छे नसीब करे, और दोनों आपस में ऐसे ही उनकी अंडरस्टैंडिंग रहे और प्यार उनका ज़्यादा होता रहे, और बस अल्लाह ताला उन्हें बहुत खुश करे। हमारे साथ है ईशा और इमानी, दोनों बहनें हैं, इनसे पूछती है कवल की रुखसती के बारे में इनकी क्या फीलिंग। हमारी ये फीलिंग है कि माशाल्लाह से कवल जुल्कनैन काफ़ी टाइम से साथ हैं, बहुत खुश हैं, रुखसती में थोड़ा बहुत तो सैड होती है, फैमिली भी सारी तो जा रही होती है, लेकिन यही मैं दुआ दूंगी कि अल्लाह हमें खुश रखे, उनके नसीब अच्छे करें, क्योंकि सारी बात तो यही कि जब आप अपने पार्टनर के साथ खुश होना, जो कि माशाल्लाह कवल नज़र आ रही है कि बहुत हैप्पी हैप्पी है, तो अल्लाह उन्हें खुश रखे, और मेरी बहुत अच्छी फीलिंग है क्योंकि मैं सैटिस्फाइड हूँ कि वो खुश हूँ।
ये बहुत ही एक वो फीलिंग होती है लड़की के लिए जहाँ पर वो अपने घर को छोड़ ही होती है, और बहुत हिम्मत चाहिए होती है इस चीज़ के लिए। बाकी कमल के अल्लाह ताला नसीब अच्छे करे और उसको खुश रखे। बहुत ही ज़्यादा सैड फीलिंग्स है क्योंकि हम तो लड़की वाले की तरफ से थे ना, इसलिए बहुत ज़्यादा दुख है, खुशी भी है, लेकिन अल्लाह पाक उसके नसीब अच्छे करे। डिमांड की थी ना मैंने थोड़ा पीछे पीछे दे दी और गाड़ी हुई। आप क्या कहना चाहेंगे? अल्लाह मेरी एक बच्ची सी ओला ना इस्मा सी ओली शादी कर सड़ी हूँ सू बच्ची बना के सामने इस तो अच्छी कड़ी गल हो सकती है। बड़े खुश हाँ कि इन्हों की मर्जी ना सारे काम हुए हैं बिच असी भी शामिल हो गए, उन्होंने फैमिली भी शामिल हो गई, बड़ी खुशी की गल इंशाल्लाह। कमल मेरी भाभी भी है और मेरी बहन भी है, और वो माशाल्लाह से करती भी उतना ही है जितना बहनें आपका करती हैं एक भाई का। तो भाई हम लोग तो लाइक 1.5-2 साल से साथ हैं, तो इंशाल्लाह साथ अच्छा गुजरेगा। भाभी मैंने जैसे बताया भाभी भी हैं बहन भी हैं, तो भाइयों की तरह रहेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह उनकी जोड़ी को सलामत रखे। जुल्कनैन की शादी में हमने इतना फ़न किया है और कि हम अभी बता नहीं सकते। और दूसरा हम लोग ये सोच रहे थे, क्या सोच रहे थे? मुझे तो गूज़बम्स हो रहे हैं सुन के रुक्सती का। गूज़बम्स हो रहे हैं, ओके। और इन दोनों का कोई प्यारा सा नाम रख देते हैं। हर एक लड़की की ज़िंदगी में दिन आता है एंड बहुत सैड दिन होता है, बहुत दुख का दिन होता है दूसरों के लिए भी और फ्रेंड्स एंड फैमिली के लिए, बट अल्लाह इनको खुश रखे, आबाद रखे और हमेशा हंसता मुस्कराता रहे। हम बहुत सैड फील कर रहे हैं क्योंकि वो हमारी फैमिली की रौनक है, मतलब सबसे ज़्यादा जिसको कहते हैं ना दबंग बंदी, और उसका अपने ही स्वैग है, और मतलब जिस महफिल में वो होना वहाँ पर बस फिर बहुत सारी रौनक होती है। अब जैसा कि वो उसकी शादी हो रही है तो वो चली जाएगी, तो मतलब हम बहुत ज़्यादा इस चीज़ को लेकर ना सैड हैं, और एट द सेम टाइम मतलब खुश भी बहुत ज़्यादा, उसके लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। माशाल्लाह जुल्कनैन भाई की फैमिली बहुत अच्छी है, बहुत लविंग है, केयरिंग है उसको लेकर, और ऑब्वियसली फैमिली मेम्बर्स यही चाहेंगे जहाँ उनकी बच्ची जा रही है, बहुत अच्छे ससुराल वाले हैं उनके। कमल एक ऐसी मतलब बंदी है जो कि हमेशा हमेशा मुझे ही नहीं हर किसी को सपोर्ट करती है, और दिल से मोहब्बत करना मतलब ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। और सच बताओ तो मैं बहुत इमोशनल हो रही हूँ, बट मुझे खुशी इस बात की है कि वो एक बहुत अच्छी जगह जा रही है। जुल्कनैन भाई बहुत अच्छे हैं, अल्लाह ताला दोनों को हमेशा खुश रखें और ऐसी बहुत ज़्यादा कामयाब करें। मेरी फीलिंग्स बहुत ही खूबसूरत और शानदार हैं, जिस तरह की ये दोनों शानदार पर्सनैलिटीज़ हैं इसी तरह की मेरी फीलिंग्स हैं। दोनों ने आज बड़े ही प्यारे और खूबसूरत जोड़े पहन रखे हैं सुर्ख रंग के, और मैं ये चाहता हूँ कि जितने ही आज ये कामयाब हैं उतने उससे ज़्यादा बल्कि ये आगे जाके कामयाब हों, ना सिर्फ ये कामयाब हों प्रोफेशनली बल्कि इनकी शादी भी इससे ज़्यादा कामयाब हो। मेरी नेक तमन्ना है, दुआएँ, और तमाम जो जितने भी लोग यहाँ पे आए हैं उन सब की दुआएँ इनके साथ हैं। यार रुख्सती के बारे में तो सबकी सैड फीलिंग्स ही होती है, जारी से मतलब अपनी फैमिली को छोड़ के जाना बहुत मुश्किल होता है, और बस हम अपनी नेक तमन्नाएं इन लोगों के साथ भेजने के लगा, इन लोगों को हमेशा खुश रखे, और कमल वहाँ पे जितनी अपने घर में खुश है से ज़्यादा वहाँ पे खुश रहे और किसी को मिस ना करें अपनी फैमिली में से ज़्यादा। और कल मेहंदी का भी जो फंक्शन है बड़ा कुछ एक सैड एंडिंग हुई थी क्योंकि उसमें सबको जो है सबको रुला दिया था, मैं खुद बैठी रो रही थी, इवन तो सब लड़के भी रो रहे थे। तो ये है कि बस अल्लाह ने नसीब अच्छा करे, हमेशा खुश रखे, जिस तरह अभी खुश रहते हैं आगे वाली ज़िंदगी में भी बहुत खुश रहेंगे। मूसा आप ये बताएं कि कवल की रुख्सती के बारे में आपके क्या फीलिंग्स हैं? फीलिंग्स तो ये है कि वैसे एक होती है ना जैसे सारी रस्में होती हैं वैसे ये रस्म जो होती है जब दुल्हन जा रही होती है ना तो रोना लास्ट होता है, ठीक है, वो चाहे ना आ रहा हो पर वो जब तक रोएंगे नहीं तब तक वो सिचुएशन क्रिएट नहीं होगी, सबको एहसास नहीं होगा कि कौन जा रहा है हमारे यहाँ, तो रोना लाजमी है। बाकी अल्लाह मेरी बहन को खुश रखे और हम भी साथ रोएंगे आपको दिखाएंगे। हमारे साथ हमजा भी मौजूद है जो कि जुल्कनैन भाई के भाई हैं, इनसे पूछते हैं कि आपके घर आप तो लड़की की साइड से भी हैं लड़के की साइड से भी हैं, आप तो रुख्सती पे भी रोएंगे और आपके घर बहन भी आ रही है, तो क्या कहना चाहेंगे? पहली बात तो ये है कि भाभी मेरी बात पे बनी थी, बहन चालू है, क्या बात, तो मेरी भी फीलिंग सैड सैड ही है। जाहिर सी बात है जैसे मूसा ने कहा कि रोना तो ज़रूर हमें आएगा, लेकिन मेरी इन दोनों के लिए भाई भी है भाभी भी है और बहन भी है, तो मेरी इन दोनों के लिए दुआएं कि हमेशा खुश रहें और अभी आपको रोते हुए हम ज़रूर नज़र आएंगे।
जी हम लोग अब अपने घर आ गए जी. अल्हम्दुलिल्लाह. आर यू हैप्पी? यस शी इज हैप्पी. गट्टी बट्टी जी ले आवांगे. मैंने कहा था ना तुम्हें बड़ी गाड़ी लेके आऊँगा और आज बड़ी गाड़ी ले आओ. बाय द वे एक बात बताऊँ, हम लोग मिले थे फर्स्ट टाइम 3 जैन को और 4 जैन को मैंने इसे प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हारे साथ शादी करूँगा. आज मैंने ये प्रॉमिस पूरा कर दिया. राइट, देखा जुबान का पक्का है यार जुल्कन. लेकिन पता है हम लोगों का एक प्लान था कि जिस डेट को हम लोग मिले उस डेट में हम लोग शादी करें, लेकिन कुछ काम थोड़े से ख़राब हो गए उसकी वजह से. कोई मसला नहीं, मन तो वही है ना यार, मन तो वही है. हाँ ये मेरा पहला पहला प्यार है सजना. अल्हम्दुलिल्लाह. हाँ ये मेरा पहला पहला प्यार है. ओ कीड़ा कीड़ा गाड़ी में कीड़ा. आप सोच रहे होंगे कि मैं ऐसे क्यों खड़ा हूँ. मैं ऐसे इसलिए खड़ा हूँ कि आज ये 10 किलो का मैं ये वाली जो मोटियाँ ना उठा उठा के थक गया हूँ. इसलिए मुझे दे इजाज़त क्योंकि मेरी गर्दन बाकी उल्टी हो चुकी है. मिलते हैं वली में.